अगला प्रश्न शिवपाल जी का है आचार्य जी उन्होंने लालदेत एक वाक उद्धृत किया है इट इज इजी टू रीड एंड टू रिसाइट इट इज हार्ड टू प्रैक्टिस वॉट वन रीड्स एंड रीडिंग सीक आउट द सेल्फ विद इन बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस नॉट बाय बुक्स कन्विक्शन ग्रू इन माई हार्ट ऑफ गॉड हु इज़ कॉन्शियसनेस ब्लिस शिवपाल लिख रहे हैं पढ़ा तो बहुत कुछ है उसमें से क्या है आचार्य जी जो शुरुआत में जीवन में कांस्टेंट प्रैक्टिस के द्वारा साधा जाए जिसकी ज़रूरत हो भाई ये ऐसी सी बात है कि कोई पूछे कि यहाँ दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं फार्मेसी में कौन सी दवाई का सेवन किया जाए क्या जवाब दूंगा ये तो तुम्हारी बीमारी पर निर्भर करता है कौन है बीमारी बताओ बेटा नहीं आचार्य जी आप दवाई बताइए बीमारी गुप्त है वो ना बताएंगे आप दवाई बता दो बस हम्म फिर जाओ किसी ऐसी जगह जहां पे पंजीरी बादाम मिलता हो सबको जितने लोग आ रहे हो सबको कतार से लो भाई तुम भी बादाम लो तुम भी बादाम लो बड़ा बढ़िया रहता है ना मंदिरों में मंदिरों में जो ही आ रहा है उसको बताशा बट रहा है बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं क्यों पढ़ ली हैं कोई तकलीफ हो तो किताबें पढ़ो पहले तकलीफ पता होनी चाहिए ना, यही तकलीफ है कि तकलीफ नहीं पता खेल बहुत सीधा है घुमाओ फिराओ नहीं बहुत किताबें भी नहीं चाहिए एक किताब भी काफ़ी हो सकती है एक किताब का एक अध्याय भी काफ़ी हो सकता है एक अध्याय का एक श्लोक भी काफ़ी हो सकता है एक श्लोक का एक शब्द भी काफ़ी हो सकता है अगर पहले तुम्हें अपनी बीमारी पता हो और तुम्हारी बीमारी क्या है ये किताबें थोड़ी बताएंगी किताबों को क्या पता वो तो तुम्हें ईमानदारी से अपने जीवन के अनुभव से बताना पड़ेगा ना कि डर में रहता हूँ या ईर्ष्या में रहता हूँ अंधेरे में रहता हूँ झिझक में रहता हूँ यही सब बीमारियां होती हैं और तो कुछ ग्रंथों से पूछोगे तो वो तो छह सात शब्दों में सब निपटा देते हैं काम क्रोध मधमोह मात्सर्य लोभ तो चार और जोड़ दो दर्जन के ऊपर तो आंकड़ा जाएगा ही नहीं